स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंग्लिश विद विकास सर में। गाइस थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है स्लीप, यानी कि सोना। और सोना सबका फेवरेट होता है। कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा भी थक जाता है तो बस उसे याद आती है कि भैया अब तो बिस्तर किधर है भाई, अब तो सोना है। और वैसे भी ये कहावत है, बहुत प्रसिद्ध है, कि आराम बड़ी चीज है, जी भर के सोइए, मुंह ढक के सोइए, किस किस को याद कीजिए और किस किस को रोइए। तो गाइस आज का टॉपिक है सोना, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है झपकी। कोई भी व्यक्ति आपने देखा होगा अक्सर झपकी ले लेता है, हल्की सी झपकी ली फिर आंख खुल जाती है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं नैप। नैप माने हल्की सी झपकी। लेकिन अगर दोपहर के टाइम में, कुछ लोगों की आदत होती है दोपहर के टाइम में थोड़ा बहुत सोने की, आधा घंटा सो लिए, हल्का सा सो लिए, तो दोपहर की जो नींद होती है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गाइस देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं सीस्टा। इसे इंग्लिश में कहते हैं सीस्टा। अगला देखिए, नींद ना आना। कुछ लोग होते हैं उन्हें नींद ही नहीं आती और नींद के लिए कई बार नींद की गोलियां खाते हैं। तो इस तरह के जो डिसऑर्डर होते हैं, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं जिसमें नींद ही ना आए, तो इस टाइप की जो परेशानी होती है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गाइस देखिए, इसे इंग्लिश में कहते हैं इनसोम्निया। नींद ना आना, इनसोम्निया। नेक्स्ट देखिए, नींद लाने वाला। गाइस कोई भी चीज नींद लाए, कोई मेडिसिन है उसको खाने से नींद आ रही है, तो आप ये कह सकते हैं दिस मेडिसिन इज सोमनीफेरस। तो कोई भी चीज नींद लाए इसको बोलते हैं सोमनीफेरस। नींद लाने वाली चीज सोमनीफेरस। हाँ तो गाइस देखिए, नींद में बोलने वाला। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो नींद में बड़बड़ाते हैं, और नींद में बोलने की इंग्लिश क्या होती है? देखिए, सोमनीलोक्विस्ट। नींद में बोलने वाला, सोमनीलोक्विस्ट। नेक्स्ट देखिए, नींद में चलने वाला। कुछ लोग नींद में चलते हैं, तो नींद में चलने की इंग्लिश होती है नींद में चलने वाले। नींद में चलने वाले को कहते हैं सोमनेम्ब्यूलिस्ट। सोमनेम्ब्यूलिस्ट माने नींद में चलने वाला। नेक्स्ट देखिए, घोड़े बेचकर सोना। कुछ लोग एकदम गहरी नींद में सोते हैं। जब कोई व्यक्ति एकदम गहरी नींद में सोता है तो इसे कहते हैं कि वो घोड़े बेच के सो रहा है। तो गाइस घोड़े बेच के सोने की इंग्लिश क्या होती है? इसको कहते हैं साउंड स्लीप। जैसे कि अगर आपको किसी से कहना है कि वह तो घोड़े बेच के सो रहा है, तो आप कह सकते हैं ही इज स्लीपिंग साउंडली। तो गाइस यदि आपको चाहिए इंग्लिश का खजाना, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके ही जाना। थैंक यू।